के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पारिवारिक कला के कारण कलयुगी मां ने किया अपने ही 4 साल की मासूम बच्ची का कत्ल। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा आरोपी महिला को किया गया है गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी विधिक कार्रवाई। बहन द्वारा गैर बिरादरी में शादी करने पर भाई ने चलाई अपनी ही बहन पर गोली, बाल बाल बची। घटना झंगा थाना क्षेत्र के अमैया की, मुकदमा दर्ज। गोरखपुर न्यूज ने किया एसएसपी से संपर्क करने का प्रयास, नहीं हो सकी बात। जिला विधिक प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत पर आयोजित हुआ जन जन तक लोक अदालत की हो पहुँच विषय पर विचार गोष्ठी, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। 32 बोर के देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस व खोखा के साथ एक अभियुक्त चढ़ा पुलिस। गोरखनाथ पुलिस के हत्थे, राजघाट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर गोली चलाने का है आरोप। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना अभियान युवा प्रभार की बैठक हुई संपन्न। युवा प्रभार के कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का दिया गया मंत्र। राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन, कुल 47,328 वादों का किया गया निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तारकेश्वरी सिंह ने कहा 14 सितंबर को फिर होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। संभावित बाढ़ से बचाव व राहत कार्य की तैयारियों में जुटा प्रशासन। ग्रामीण क्षेत्रों में एनडीआरएफ लगातार मार्क ड्रिल कर दे रहा है लोगों को प्रशिक्षण, कर रहा है जागरूक। जीवन है अनमोल हमारा सीडी का एसएसपी ने किया लोकार्पण, कहा भोजपुरी भाषा में गाने के माध्यम से यातायात के प्रति लोगों को किया जाएगा जागरूक। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा किया गया गोष्ठी का आयोजन, कहा सीडी पद्धति द्वारा दांतों का इलाज कर उसकी खूबसूरती लाई जा सकती है वापस। और प्रगतिशील भोजपुरी समाज और प्राउडिस्ट फोरम के संयुक्त तत्वाधान में 14 जुलाई को आर्थिक लोकतंत्र विषय पर सेमिनार का होगा आयोजन। राष्ट्रीय महासचिव निरंजन कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।